इस गर्मी के मौसम में अगर ठंडी ठंडी कुल्फी मिल जाए, वो भी आपके फेवरेट फ्रूट मैंगो की, तो मज़ा ही आ जाए। तो आज मैं आप लोगों के लिए झटपट से बनने वाली मैंगो कुल्फी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे हम ब्रेड से बनाएंगे, घर की चीज़ों का यूज़ करेंगे इसे बनाने में। रिजल्ट आपके सामने है, कितनी क्रीमी बनी है ये। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंगो कुल्फी बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 3 ब्रेड स्लाइसेस। इसके किनारे कट कर लेंगे। मीडियम साइज़ की ब्रेड ली है मैंने। अगर आपके पास वाइट ब्रेड नहीं है, ब्राउन ब्रेड है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर मार्केट में जो मीठी वाली ब्रेड आती है वो है, तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अब हम छोटे टुकड़े कर लेंगे और एक ब्लेंडर में डाल देंगे और इसका एक फाइन सा पाउडर तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। इसे अब हम साइड रख देंगे और एक कढ़ाई ले लेंगे। इसमें डाल देंगे 1/2 लीटर दूध। ये फुल क्रीम दूध है। दूध आप कच्चा भी यूज़ कर सकते हैं, पका हुआ है, बॉइल्ड है, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। फुल क्रीम दूध यूज़ कीजिएगा, उससे कुल्फ़ी बहुत क्रीमी बनेगी और उसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आएगा। दूध में एक उबाल आने देंगे। जैसे ही दूध उबल जाएगा तो इसमें हम जो हमने ब्रेड का पाउडर तैयार करा है वो डाल दें सारा। और अब इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए पकाना है। इसे पकाते टाइम आप गैस तेज़ कर सकते हैं, मीडियम टू हाई गैस पर आप इसे पका सकते हैं। अब 3 मिनट के करीब हो गए हैं मुझे इसे पकाते हुए और अब ये हल्का सा गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे मिल्क पाउडर। 4 बड़े चम्मच यानी 4 टेबलस्पून हमें इसमें मिल्क पाउडर डालना है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कस्टर्ड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। ब्रेड और मिल्क पाउडर के कॉम्बिनेशन से बिल्कुल मावे जैसा टेस्ट आएगा। ऐसा लगेगा आपने इसमें मावा या खोया ऐड करा है। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। एक एक कर मैंने डाला है इसमें, ताकि इसमें लम्स नहीं बने। अगर आप चाहें तो ठंडे दूध में सारा मिल्क पाउडर मिक्स कर एक साथ डाल सकते हैं। ऐसे भी आप डाल सकते हैं, बस इसमें कोई भी लम्स नहीं बने और ये प्रॉपरली मिक्स हो जाए। अब देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब टाइम है इसमें चीनी ऐड करने का। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने इसमें टोटल 7 टेबलस्पून डाली है। और ध्यान रखिएगा, मिल्क पाउडर में भी थोड़ी चीनी होती है, और जब भी आप आइसक्रीम या कुल्फी बनाएं तो हमेशा चीनी अपने टेस्ट से एक्स्ट्रा डालिए, क्योंकि वो ठंडी होने के बाद, जमने के बाद चीनी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो चीनी आप अपने अकॉर्डिंग डालिए। सारी चीनी मैंने इसमें डाल दी है, टोटल मैंने 7 टेबलस्पून डाली है। अब चीनी को हम मेल्ट होने देंगे, साथ साथ में जो भी इसमें किनारे में मलाई लगती जाएगी उसे भी हम इसमें ऐड करते जाएंगे चम्मच से निकाल कर। चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। मैंने इसमें पिस्ता और काजू डाला है। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप डाल सकते हैं। अगर आप बादाम डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं, और क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हमें थोड़ा गाढ़ा करना है, और इसे गाढ़ा करने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि हमने इसमें ब्रेड और मिल्क पाउडर डाला है। कुछ ही मिनट्स में ये गाढ़ी हो जाएगी। इसे लगातार चलाते रहिएगा ताकि ये लगे नहीं, और साइड से मलाई भी निकालते जाइएगा। ये लीजिए, अब ये गाढ़ी हो गई है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, और मैंने इसे टेस्ट किया, इसका टेस्ट बिल्कुल रबड़ी जैसा आ रहा है। बहुत ही मज़े की बनी है ये। अब इसे हम ठंडा होने देंगे जब तक हम आम कट कर लेते हैं, और इसे इतना ही गाढ़ा करेंगे क्योंकि ये ठंडी होने के बाद और गाढ़ी होगी। अब मैंने ये 2 आम लिए हैं, मीडियम साइज़ के हैं ये, और ये मीठे आम हैं। अब 1 आम के हम मैंगो चंक्स तैयार करेंगे और बाकी बचे हुए के हम मैंगो प्योरी बना लेंगे। देखिए मैंगो चंक्स बनाने के लिए जैसे आप नॉर्मली आम कट करते हैं, इस तरीके से पहले कट कर लेंगे और नाइफ़ की हेल्प से इसमें अब कट लगाएंगे अंदर तक। थोड़े अंदर तक कट लगाइएगा ताकि सारा पोर्शन जो है हम मैंगो का निकाल सकें। और इस तरीके से कट लगाना है ताकि स्क्वायर शेप में ये पीसेस निकल जाएं। और अब आपने कोई भी एक स्पून ले लेना है और इस तरीके से इसके सारे जो भी पीसेस हैं उन्हें निकाल लेना है। आप चाहे तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं, और मैंगो चंक्स अगर आपको मैंगो कुल्फ़ी में नहीं डालने तो आप ना डालें, लेकिन ये बहुत ही अच्छे लगते हैं जब छोटे पीसेस मैंगो कुल्फ़ी में आते हैं इसके।
देखिए ये तैयार है, इसी तरीके से मैं दूसरे साइड के भी निकाल लूँगी। और आप इसे बहुत चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई मैंगो पुडिंग बनानी है, मैंगो केक डेकोरेट करना है, तो आप मैंगो की कोई भी चीज़ जो भी आप बनाएं उसको डेकोरेट करने के लिए ये मैंगो चंक्स आप उसमें लगा सकते हैं। ऊपर से ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कट्स लगाकर इसके सारे पीसेस को निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये, और बहुत इजीली ये निकल जाते हैं। ये देखिए, और बाकी बचे हुए की हम मैंगो प्यूरी तैयार कर लेंगे। और ये मैंने मैंगो प्यूरी तैयार कर ली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो हमने रबड़ी बनाई थी, मैंने आपको बोला था कि ये रखने के बाद गाढ़ी हो जाती है, और अब आप देख सकते हैं और ज़्यादा टेस्टी लग रही है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए पहले कैसी थी, और अब ये और गाढ़ी हो गई है और बहुत ही यमी लग रही है ये। और अब इसमें हम मैंगो प्यूरी डाल देंगे। अब इस मैंगो प्यूरी को हम मिक्स कर लेंगे इसमें, और देखिए वाओ कितना अच्छा इसमें ब्राइट सा कलर आ गया है। कोई यकीन नहीं करेगा आपने इसमें ब्रेड का यूज़ किया है, बिल्कुल मावे जैसा इसका टेस्ट आया है। ऐसा लग रहा है जैसे हमने बाज़ार की रबड़ी बनाई हो घर में। और आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी अच्छी है, कितनी थिक बनी है ये। अब एक लास्ट स्टेप आपने करना है, वो कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपने इसे नहीं डालना है तो आप ना डालें। ये है येलो फूड कलर, दो चुटकी मैं इसमें से येलो फूड कलर निकाल रही हूँ। इसे मैं डायरेक्टली इसमें ऐड कर दूँगी ताकि जो कुल्फ़ी है वो हमारी और ज़्यादा अच्छी लगे, ब्राइट सा कलर आ जाएगा और ज़्यादा, और कुल्फ़ी हमारी और टेस्टी लगेगी। ये देखिए इसका कलर और ज़्यादा ब्राइट हो गया है, और बहुत ही मज़े की लग रही है ये। इसे अब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे पहले, और फिर इसमें हम मैंगो चंक्स ऐड कर देंगे। सारा कलर अच्छे से मिक्स हो गया है, और ये देखिए कितनी क्रीमी लग रही है ये। अब इसमें हम मैंगो चंक्स मिलाएंगे। लीजिए मैंगो रबड़ी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, अब इसे हम जमाने के लिए रखेंगे। तो इसे अब हम साइड रख देते हैं। और ये मेरे पास कुछ पेपर कप्स हैं, और साथ में ये आइसक्रीम स्टिक्स हैं, और इसे कवर करने के लिए मैं फॉइल पेपर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये पेपर कप्स नहीं हैं और घर में छोटे साइज़ के स्टील के ग्लास हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आपने मेरी 3 इंग्रेडिएंट मैंगो आइसक्रीम की वीडियो देखी है, उसमें मैंने टिफ़िन बॉक्स में आइसक्रीम जमाई थी, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसको हम फटाफट से फिल कर देते हैं। ये लीजिए मैंने इसे फिल कर दिया है, और मैंने इसका थोड़ा सा पोर्शन ऊपर का छोड़ दिया है। अब इसमें हम फॉइल पेपर लगा देंगे, इसे कवर कर देंगे। खाली फॉइल पेपर से इसे कवर कर डायरेक्टली फ्रीजर में नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना इसमें आइस क्रिस्टल्स जम जाएंगे। आगे देखिएगा मैंने किस तरीके से किया है। अब एक नाइफ़ की हेल्प से इसमें हम ऊपर कट लगाएंगे, हल्का सा कट लगाएंगे, और फिर आइसक्रीम स्टिक को इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए इसी तरीके से हम सारे पेपर कप्स जो हैं वो फिल कर लेंगे। और ये लीजिए टोटल 6 पेपर कप्स जो हैं वो फिल हो गए हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसे फ्रीज़र में किस तरीके से रखना है। आप कोई भी एक बॉक्स ले लें जो एयर टाइट बॉक्स हो, जिसका एक प्रॉपर ढक्कन हो, और पहले आप सारी जो भी पेपर कप्स हैं वो इसके अंदर रख दें। मैंने सारे पेपर कप्स रख दिए हैं, और अब इसका हम ढक्कन लगा देंगे। इस तरीके से इसमें आइस क्रिस्टल्स नहीं जमेंगे। इसी तरीके से मैंने डालगोना आइसक्रीम भी बनाई थी, अब इसे ओवरनाइट हम फ्रीज़र में रख देंगे। तो मैंगो कुल्फ़ी को मैंने रात भर फ्रीज़र में रख दिया था, और अब मैं इसे आपको खोलकर दिखाती हूँ कैसी बनी है ये।
फटाफट से खोल लेते हैं इसे। वाओ कितनी अच्छी लग रही है ये। अब इसे निकाल कर देखते हैं कैसी बनी है ये। साइड से हल्का सा दबाएंगे तो ये आसानी से निकल जाएगी, ये लूज़ हो जाएगी। अब इसे निकालते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कितनी टेम्पटिंग हमारी ये मैंगो कुल्फ़ी बनी है। आप इसका टेक्सचर देखिए कितनी क्रीमी लग रही है ये, और बिल्कुल भी इसमें आइस क्रिस्टल्स नहीं जमे हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसी कुल्फ़ी हमारी तैयार हुई है। तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरी मैंगो कुल्फ़ी कैसी लगी। कोई कहेगा नहीं कि ये आपने ब्रेड से बनाई है, इसे आप इस तरीके से पिस्ता डालकर ऊपर से कोई भी आपके ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो डालकर सर्व कर सकते हैं। आप पास से देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही मज़े की लग रही है। अब मैं इसे टेस्ट कर कर देखती हूँ, बहुत ही टेस्टी है ये, और साथ में जो मैंगो चंक्स इसमें बीच में आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो इसे आप घर पर ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा आपको ये कैसी लगी। अगर आपको कोई और आपकी फेवरेट कोई भी डिश बनवानी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।